गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3। आज हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3 में हमें कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं, उन मेजरमेंट्स में हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। हमें ऐड करना है यहाँ पे 9.61 केजी दिया हुआ है एंड 6.75 केजी दिया हुआ है, तो हमें इन्हें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए पहले हम एक सम बनाएंगे, फिर हम इन्हें ऐड करेंगे। यहाँ पे एक बात और नोटिस कीजिए आप कि देखिए यहाँ पे केजी दिया हुआ है 9.61 केजी, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ज़ीरो और पुट करनी पड़ेगी जब आप सम बनाएंगे, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स को शो करना है, इसलिए आप यहाँ पर एक ज़ीरो पुट करेंगे। 9.610 केजी लिख दिया है मैंने। अब यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी मेजरमेंट है, पहले उसका पॉइंट लगाएंगे, फिर 6 लिखेंगे एंड 7, 5 और एक ज़ीरो और पुट करेंगे, फिर केजी लिखेंगे हम। अब हम इसे ऐड करेंगे 0, 0, 0, 5 में 1 प्लस करेंगे 6, 7 में 6 प्लस करेंगे 7, 6, 13, 13 का 3 कैरी 1, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 10 में 6 प्लस करेंगे 16 और पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे केजी। इस तरीके से करना है आपको ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बी क्वेश्चन, 9 केजी 660 ग्राम है एंड 18 केजी 85 ग्राम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पॉइंट में है नहीं, तो पहले इन्हें हमें पॉइंट में चेंज करना है। तो पहले हम इन्हें पॉइंट में चेंज करेंगे। 9 केजी 660 ग्राम को हमने पॉइंट में चेंज कर दिया। यहाँ पे 18 केजी 85 ग्राम है, तो हम इसे लिखेंगे पॉइंट में 18 पॉइंट। पहले हम 0 लिखेंगे, फिर 85 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 5 के पास 0 लगाएंगे तो वो 850 ग्राम हो जाएगा, जो गलत है। तो हम 8 से पहले 0 लगाएंगे। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, यहाँ पे एक सम बनाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 18, 0, 8, 5 यूनिट लिखेंगे केजी। अब हम ऐड करेंगे 5, 0, 5, 8, 6, 14, 14 का 4 कैरी 1, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, पॉइंट की जगह पॉइंट, 9, 8, 17, 17 का 7 कैरी 1, 1 में 1 प्लस करेंगे 2, तो आंसर आएगा 27.745 किलोग्राम। इस हेडिंग में आपको ई तक क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के रजिस्टर में। सेकंड हेडिंग देखिए, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ए क्वेश्चन देखिए, 6.75 केजी को हमें फ्रॉम यानी कि 9.69 केजी से माइनस करना है। देखिए यहाँ पे मैंने सवाल बनाया हुआ है 9.690 केजी। यहाँ पे मैंने ज़ीरो पुट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें केजी में दिया हुआ है। ऐसे ही मैंने सेकंड जो मेज़रमेंट है वहाँ पे भी मैंने ज़ीरो पुट की है, 6.750 केजी बना दिया है इसको। अब हम माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम बोरो लेंगे, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ से हमने बोरो लिया था, तो यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 केजी, तो इसका आंसर है 2.940 केजी। इसका सी क्वेश्चन देखिए, 89 सेंटीमीटर को माइनस करना है हमें 2 मीटर 5 सेंटीमीटर में से। अब यहाँ पे तो पॉइंट में नहीं दी हुई है मेज़रमेंट, तो हम पहले से पॉइंट में चेंज करेंगे, फिर एक सम बनाएंगे, फिर हम माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए 89 सेंटीमीटर है, तो हम ये सेंटीमीटर है और हमें मीटर में चेंज करना है इसको, तो हम पॉइंट के बाद 89 लिखेंगे और पॉइंट से पहले 0 लगाएंगे और ये मीटर आ गया, मीटर में चेंज हो गया। ऐसे ही हमें 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को ओनली मीटर में चेंज करना है, तो हम पॉइंट में चेंज करेंगे, 2 लिखेंगे पॉइंट। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे तो 2 डिजिट होनी ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे पहले, फिर 5 लिखेंगे और फिर मीटर लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 5 के पास 0 लगाते हैं तो वो 50 हो जाएगा, तो 50 गलत हो जाएगा। अब हमारे पास जो ये पॉइंट में जो मेज़रमेंट हैं, अब इनका हम सम बनाएंगे और माइनस करेंगे। इस तरीके के हमें सवाल करने हैं, तो हमें पहले अगर 2 यूनिट में दिया होगा आपको क्वेश्चन, तो आपको पहले उसे
एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक यूनिट में कन्वर्ट करना बताया था, तो उसी तरीके से ये कन्वर्ट हुए हैं। आप रफ कॉपी में कन्वर्ट करें और फिर यहाँ पे आप पॉइंट में उनको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने सम बना दिया है, अब हम माइनस करेंगे। फाइव में से नाइन माइनस नहीं हो सकता, बोरो लेंगे, पर यहाँ पे तो पहले से ही ज़ीरो है, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे टू से, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन। टेन में से यहाँ के लिए बोरो लिया जाएगा तो यहाँ पे फिफ्टीन हो जाएगा और यहाँ पे नाइन बचेगा। फिफ्टीन में से नाइन को माइनस करेंगे सिक्स आएगा, यहाँ पे नाइन बचा तो नाइन में से एट माइनस करेंगे वन, पॉइंट की जगह पॉइंट। अब यहाँ से हमने बोरो लिया था तो यहाँ पे टू की जगह वन बचा, तो हम यहाँ पे वन लिखेंगे, 1.16 मीटर इसका आंसर। आपको सेकंड हेडिंग के टी तक क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के रजिस्टर में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का है। मिसेस बजाज बॉट 6 मीटर 25 सेंटीमीटर ऑफ ब्लू क्लॉथ। मिसेस बजाज ने 6 मीटर 25 सेंटीमीटर ब्लू क्लॉथ खरीदा, यानी कि नीला कपड़ा खरीदा, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर येलो क्लॉथ खरीदा एंड 8 मीटर 50 सेंटीमीटर ऑफ रेड क्लॉथ, और रेड क्लॉथ खरीदा इन्होंने 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ डिड शी बाई इन ऑल, तो ये बताना है कि उन्होंने कितने मीटर कपड़ा खरीदा, कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पे हमें ऐड करना है। इस क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ आपको, और थर्ड क्वेश्चन के बाद आपको सिक्स क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन माइनस का है, इसमें से एक क्वेश्चन प्लस का करना है और एक क्वेश्चन माइनस का करना है। 4, 5, 7, 8 क्वेश्चन आपको मैथ्स के रजिस्टर में नहीं करने हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं बता रही हूँ और सिक्स क्वेश्चन आपको करना है मैथ्स के रजिस्टर में विद स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए हमने स्टेटमेंट लिखी है लेंथ ऑफ ब्लू क्लॉथ। ब्लू क्लॉथ की जो लेंथ है वो 6 मीटर 25 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ येलो क्लॉथ, येलो क्लॉथ की मेजरमेंट 1 मीटर 75 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ रेड क्लॉथ, रेड क्लॉथ की जो लेंथ है वो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है। अब इसे हम एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे यानी कि मीटर में। तो देखिए यहाँ पे 6.25 मीटर, 1.75 मीटर एंड 8.50 मीटर। अब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर ही हम सवाल बनाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 5, 5, 10, 10 का 0, कैरी 1, 2, 1, 3, 3 में 7 प्लस करेंगे 10, 10 में 5 प्लस करेंगे 15, 15 का 5, कैरी 1, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 7 में 1 प्लस करेंगे 8, 8 में 8 प्लस करेंगे 16, और पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे यूनिट भी लिखेंगे मीटर। तो अब हमने ये प्लस का क्वेश्चन कर दिया है। अब इन्होंने पूछा है कि बताइए उसने टोटल कितना मीटर कपड़ा खरीदा, तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे 10 मिसेस बजाज बॉट 16.50 मीटर ऑफ क्लॉथ, जो टोटल कपड़ा खरीदा वो 16.50 मीटर खरीदा। तो इस तरीके से करना है स्टेटमेंट का क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ए बॉक्स फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स वेज 12.65 केजी। एक बॉक्स है जो ड्राई फ्रूट्स से भरा हुआ है, उसका जो वज़न है 12.65 केजी है, यानी कि 12.650 केजी। इफ़ द वेट ऑफ द ड्राई फ्रूट्स इज़ 9 केजी 800 ग्राम। अगर ड्राई फ्रूट्स का वेट 9 केजी 800 ग्राम है, तो बताइए फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन ग्राम्स। तो ग्राम्स में बताना है कि खाली बॉक्स का जो वज़न है वो कितना होगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो हमसे आंसर पूछा है वो ग्राम में बताना है हमें, पर हमें खाली बॉक्स का बताना है, तो पहले हम माइनस करेंगे, फिर माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम ग्राम में चेंज कर देंगे। पहले आप माइनस करना, माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर किलोग्राम में आएगा, फिर आप उसको ग्राम में चेंज कर देंगे। फिर किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना मैंने आपको बताया हुआ है, केजी से ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 7, 8 क्वेश्चन आपको नहीं करना है मैथ्स के रजिस्टर में, ना ही 4, 5 क्वेश्चन करना है। थैंक यू।